गुड मॉर्निंग हिमाचल, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन में नजर डालेंगे अभी तक की बड़ी खबरों पर। दिस मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन इज ब्रॉट यू बाय दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल कंडाघाट। रावी नदी का जल स्तर बढ़ने से चार गांव परेशानी में, अपने ही गाँव में कैद होकर रह गए लोग। कॉलेज के सामने अनसेफ घोषित सरकारी भवन बना मौज मस्ती का जरिया, हर पल रहता है नशेड़ियों का डेरा। कुल्लू के मंदिरों में ऐसे नृत्य से देवताओं को प्रसन्न करती हैं महिलाएं, एक महीने तक रहती हैं तपस्या में लीन। बीआरसीसी कार्यालय धर्मपुर के सभागार में नई शिक्षा नीति पर सामुदायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम। और अब समाचार विस्तार से। उपमंडल भरमौर की ग्राम पंचायत कुठेड़ के चार गांव के वैकल्पिक रास्ते को रावी नदी ने रोक लिया, जिसे मंगलवार को रास्ता न होने से बच्चे स्कूल तक नहीं पहुंच पाए तो कर्मचारी भी किनारे पर खड़े हैं। दरअसल रावी नदी पर स्थित तिवारी पुल की मरम्मत का काम लोक निर्माण विभाग ने शुरू किया है, जिसके लिए सारे लकड़ी के फट्टे निकाल दिए हैं। पंचायत के बटोला कलह समेत अपर और झिकली तिवारी के लोगों की आवाजाही हेतु रावी नदी पर अस्थायी पुलिया बनाकर वैकल्पिक रास्ता बनाया गया है। मंगलवार सुबह नदी का जलस्तर बढ़ने से पानी पुलिया के ऊपर से बह रहा है और लोगों के आने जाने का अन्य कोई साधन नहीं है। नतीजतन अब चार गांव के लोग भी यहां पर कैद होकर रह गए हैं। दिव्य हिमाचल प्रेजेंट्स गोदरेज नंबर वन मिस हिमाचल 2021-22 पावर्ड बाय अर्नी यूनिवर्सिटी ब्यूटी पार्टनर रोजा हर्बल। अगर आप भी बनना चाहती हैं मिस हिमाचल तो तैयार रहे, ऑडिशन शुरू 7 मार्च से। जल्द आ रहे हैं आपके शहर। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें दिव्य हिमाचल समाचार पत्र या लाइक करें मिस हिमाचल के फेसबुक पेज और फॉलो करें इंस्टाग्राम पर। जोगिंदरनगर के राजीव गांधी कॉलेज के बिल्कुल पास अनसेफ घोषित हुआ भवन नशेड़ियों का मुख्य अड्डा बनता जा रहा है। लगभग 3 साल पहले असुरक्षित घोषित हुए इस आवासीय भवन के अंदर का नजारा देखते ही बनता है। भवन के कमरे में शराब की बोतलों के साथ साथ अन्य चीजों के ढेर लगे पड़े हैं। कॉलेज के मुख्य गेट के सामने ये भवन है। इस रास्ते से गुजरने वाले लोग भी पुलिस को सादी वर्दी में रैकी करने के लिए कहते हुए सुने जा सकते हैं। वहीं कॉलेज के ऊपर जो एग्रीकल्चर विभाग की जगह है, वहां भी दिन के समय में ताश खेलने वालों की टोलियां देखी जा सकती हैं। हालांकि मात्र 300 मीटर की दूरी पर एसडीएम कार्यालय और 400 मीटर की दूरी पर पुलिस स्टेशन है, लेकिन यहां बैठकर ताश फेंटने वालों को किसी का डर नहीं है। कॉलेज के मुख्य गेट से रोजाना स्टाफ का आना जाना है, पर किसी ने इस बारे में कदम उठाने में हिम्मत नहीं जुटाई। वहीं गेट के सामने गंदगी के ढेर भी देखे जा सकते हैं। देवभूमि कुल्लू में देव परंपराएं हिमाचल के अन्य जिलों की देव परंपराओं से बिल्कुल अलग हैं। कुल्लू के मंदिरों में देव गीत लालड़ी खेलकर महिलाएं देवी देवताओं को प्रसन्न करती हैं। जी हां, देवभूमि कुल्लू के मंदिरों में चैत्र संक्रांति की रात से देव गीतों की गूंज शुरू हुई है। शमशी में माता ज्वाला के मंदिर में महिलाएं लालड़ी खेल माता को प्रसन्न कर रही हैं। वहीं धार्मिक नगरी मणिकरण के मंदिरों में भी सोमवार शाम से देवगीत शुरू हुए हैं। पूरे एक महीने तक महिलाएं मंदिरों में हर शाम को देव गीत गाएंगी। वहीं देव गीतों के बाद लालड़ी भी खेलेंगी। एक महीने तक महिलाएं तपस्या में लीन होंगी। मणिकरण के बुहाड़, डढ़े, शरानी बेहड़, जां सहित अन्य मंदिरों में देवगीत शुरू हुए हैं। बीआरसीसी कार्यालय धर्मपुर के सभागार में एक दिवसीय सामुदायिक प्रशिक्षण का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें धर्मपुर खंड के अंतर्गत आने वाली 128 प्राथमिक विद्यालयों की स्कूल प्रबंधन समिति के अध्यक्ष, सदस्य, पंचायती राज एवं गैर सरकारी संस्था के लगभग 60 सदस्यों ने भाग लिया। बीआरसीसी नितांत कुमार ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए कहा कि इस कार्यक्रम में नई शिक्षा नीति 2020, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, शिक्षा में गुणवत्ता, कोविड जागरूकता, विद्यांजलि एवं विद्यालय विकास योजना के बारे में चर्चा की गई। नमस्कार, मैं नितांत कुमार, बीआरसीसी प्राइमरी धर्मपुर जिला सोलन से। आज हमारे इस कार्यालय के सभागार में 128 प्राथमिक पाठशालाओं के
एसएमसी के प्रधान एवं पंचायत के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में सामुदायिक सहभागिता, विद्यांजलि, नई शिक्षा नीति व अन्य विषयों पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। इस कार्यक्रम की जो अध्यक्षता थी वो हमारे खंड प्राथमिक शिक्षा अधिकारी महोदय श्री मनोहर लाल कौशल ने की और जिला परियोजना अधिकारी श्री चंद्रमोहन शर्मा जी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में जो भी जानकारी उपस्थित हमारे प्रतिभागियों को दी गई है, ये उम्मीद की जा रही है कि वे इसे फील्ड में जरूर पहुंचाएंगे और हमारे जो सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं वे जरूर इस जानकारी से लाभान्वित होंगे। धन्यवाद। मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल चाइल्ड रोड कंडा घाट सोलन। द दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल विद 96 ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया एंड अब्रॉड अंडर द एजेस ऑफ दिल्ली वर्ल्ड फाउंडेशन इज लोकेटेड इन सोलन डिस्ट्रिक्ट इन कंडा घाट इन हिमाचल प्रदेश ऑन चाइल्ड रोड इज इजिली रीचेबल फ्रॉम द मेजर सिटीज। The school nestles between two hills, with its pristine beauty, with a sparkling stream flowing on one side, adorned with rich vegetation, green fields and lush green trees. The school is a senior secondary school affiliated with CBSE board, with all three streams available, science, commerce and humanities. Boarding facilities are available from grade 4th to 12th, with all modern amenities with state-of-the-art infrastructure. Counselors for holistic development of a child, well-equipped conference hall with modern amenities for conference, workshops and important webinars. With a plethora of creativity-based activities, music room, dance room, yoga room for holistic growth and sound health. A wide range of crafts including poetry, handmade paper and recycling of it. With fully equipped science and math labs. The library houses the best collection of knowledgeable books with a large sitting capacity, well lit and facilitated with modern amenities with a provision of e-library. We have spacious, comfortable and well lit classrooms catering to all age groups with activity room for kindergartners to develop their psychomotor skills. The hostels are airy, spacious, sunny and gives a clear view of the valley. It has a provision of two children in a room with attached washrooms, study table and modern gadgets with high standard mess facilities. Various activities are held during the year and students made headlines and brought laurels to the school. A sense of empathy and creating awareness about our environment is in the philosophy of the school. Be the change you want to see in the world. For more queries, contact 9882040097 or 7559640097.